आप मरीज का? पंकज कुमार का। कहाँ के रहने वाले हैं? सर बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के? शिवहर जिला। कौन सा जिला है? शिवहर जिला। शिवहर, ये कहाँ पड़ता है? सीतामढ़ी। शिवहर जो रहता है मुजफ्फरपुर से आ गया। मुजफ्फरपुर से आ गया। शिवहर में कहाँ पे? शिवहर मुजफ्फरपुर। शिवहर में मिलाकर करिया मकसूदपुर। तेज बोलो थोड़ा। मकसूदपुर करड़िया गाँव है। मकसूदपुर करड़िया। करड़िया गाँव जी। अच्छा ठीक है। जब आए थे पेशेंट कौन है? मेरा भाई है सर। अच्छा आपका भाई है। तो जब आए थे इनका क्रिएटिनिन कितना था? 4.8। और ये पहले बढ़ता चला जा रहा था? जी बढ़ते ही जा रहा था। पतंजलि में या हरिद्वार में इलाज कराया था ना। अच्छा तो वहाँ पर गया था। अच्छा तो यहाँ पे आए तो बहुत बढ़िया है। हरिद्वार पतंजलि से कराया था पहले आपने। अच्छा अभी कितना है क्रिएटिनिन? अभी सर अभी 1.6 है। ये जांच कहाँ से कराते हो? जाँच सर शिवहर जिला से कराते। अपने आसपास शिवहर जिला से ही जांच कराते हैं। ठीक है। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन था जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 4.8 क्रिएटिनिन था इनको। 4.8 वाज अ क्रिएटिनिन लेवल एंड यूरिया जो था वो 124.9। ये पतंजलि से ही इन्होंने ट्रीटमेंट टेस्ट कराया हुआ है ये, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले। पैथोलॉजी लैब एंड रिसर्च सेंटर पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल। और इसके अंदर क्रिएटिनिन 4.8 है और यूरिया जो है वो 124.9। फिर इन्होंने इलाज कराया और इनका अब ट्रीटमेंट नेक्स्ट इन्होंने कराई जांच। इसके अंदर क्रिएटिनिन हो गया 3.5, यूरिया हो गया 75 हो गया क्रिएटिनिन यूरिया 75। फिर इन्होंने दोबारा से जांच कराई और ये कराई है शिव शक्ति डायग्नोस्टिक शिवहर से ही कराई है इन्होंने, थाना रोड शिवहर से। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन हो गया वो हो गया 2.2, यूरिया हो गया 58। और फिर इन्होंने दोबारा जांच कराई शिव शक्ति डायग्नोस्टिक शिवहर से ही कराई, 1.6 हो गया इसके अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया कितना हो गया 59.4। कैल्शियम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सब चीज़ें इनकी जो है वो रेंज में आ गई है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर इन्होंने अब लेटेस्ट रिकॉर्ड जांच कराई है ये अम्रपाली जांच घर से कराई है। ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर बिहार से ही कराई है ये भी। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन इनका है वो है 1.2 इनका क्रिएटिनिन हो चुका है, ये नॉर्मल की रेंज में आ गया है। 1.2 इज अ क्रिएटिनिन लेवल। शुरू हुए थे जब इनका क्रिएटिनिन था 4.8, धीरे 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 करके इनका क्रिएटिनिन लेवल रिड्यूस हुआ 4.8, 1.29, 3.5, 75, 2.2, 58, 1.6, 59, 1.2, 34, क्रिएटिनिन यूरिया सोडियम पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम हीमोग्लोबिन सब चीजें नॉर्मल, सब चीज़ें जो है वो रेंज में आ गई। पेशेंट हैं ये और इन्होंने जांच इन्होंने जो कराई है वो अपने आसपास से ही कराई है, शिवहर से ही कराई है, बिहार से कराई है। जांच के अंदर किस किस प्रकार से इनको चेंजेस आए वो इन्होंने खुद भी महसूस करा और रिपोर्ट्स के अंदर भी नज़र आए किस किस प्रकार से चेंजेस आए। लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी। और आज एक और पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन यूरिया सोडियम पोटेशियम केएफटी कंप्लीट नॉर्मल हो चुका है, किडनी का फंक्शन कंप्लीट नॉर्मल हो चुका है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। कर्मा आयुर्वेदा में इन्होंने जब ट्रीटमेंट शुरू किया क्रिएटिनिन 4.8 लेकर आए और आज की डेट में 1.2, धीरे 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 करके ये रिड्यूस हुआ। लग के इन्होंने ट्रीटमेंट फॉलो करा, गाइडलाइंस फॉलो करी, सब चीज़ें जैसे जैसे हमने बताया वैसे फॉलो करा और आज उसका नतीजा जो है वो सामने है। जो क्रिएटिनिन इनका बढ़ता चला जा रहा था, डायलिसिस की स्थिति आने वाली थी और आज वो क्रिएटिनिन ना बढ़ के बल्कि रिड्यूस भी हुआ और सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल की रेंज में आई, नॉर्मल की स्थिति में आई, नॉर्मल की अवस्था में। स्वास्थ्य लाभ इन्होंने लिया, किडनी का फंक्शन जो है वो दोबारा से नॉर्मल हुआ, एक हेल्दी इंसान एक हेल्दी व्यक्ति की तरह वो किडनी का फंक्शन नॉर्मल हुआ। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को
डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।